निर्भया के चारों गुनाहगारों को डेथ वारंट जारी हो चुका है, लेकिन ये चारों चाहते हैं कि फिर से उनकी फांसी की तारीख टल जाए। हालांकि चार में से तीन ने अपने सारे कानूनी दांव पेज आजमा लिए हैं, लेकिन पवन के पास अभी क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका का विकल्प बाकी है। लेकिन ये चारों चाहते हैं कि फिर से फांसी टल जाए, इसलिए कानूनी दांव पेज के अलावा दूसरी तकनीक भी अपना रहे हैं और इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वो फांसी को अपने से दूर करना चाहते हैं। दरअसल फांसी के फंदे पर लटकाए जाने से पहले किसी भी दोषी को अच्छी तरह से स्वस्थ रहना जरूरी है। फांसी से पहले उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है। इस बात का ख्याल रखा जाता है कि फंदे पर लटकने से पहले दोषी पूरी तरह से स्वस्थ हो, मानसिक भी और शारीरिक भी। फांसी पर जाने से पहले दोषी का ब्लड प्रेशर और शरीर का टेम्परेचर भी मापा जाता है। लेकिन अगर दोषी खुद को चोटिल कर ले या जख्मी कर ले तो उसकी फांसी टल सकती है, और साथ ही अगर उसका वजन भी कम हो जाए तब भी फांसी टल सकती है। इसलिए निर्भय के दोषी लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं ताकि उनका वजन भी कम हो जाए और खुद को जख्मी भी कर ले। और इसलिए निर्भय के दोषी विनय शर्मा ने यही किया तिहाड़ जेल में। उसने तिहाड़ जेल में अपने सेल की दीवारों से सर पटक पटक कर खुद को जख्मी करने की कोशिश की। हमारे तिहाड़ जेल के सूत्र बताते हैं कि विनय शर्मा ने खुद को जख्मी इसलिए किया ताकि वो खुद को जख्मी दिखाकर अपनी फांसी को टाल सके, लेकिन समय रहते सुरक्षा कर्मियों ने उसको काबू कर लिया और वो खुद को थोड़ा ही जख्मी कर पाया। यही नहीं, इससे पहले विनय शर्मा ने ग्रिल्स में अपना हाथ फंसा कर फ्रैक्चर करने की भी कोशिश की थी। यानी विनय शर्मा लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से खुद को अनफिट रखा जाए और फांसी से बचा जाए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।